हम आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मेहमान बनकर गई है और वहां उसे टेस्ट मैच और वनडे की सीरीज के साथ साथ T20 मैच भी खेलने। पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 रनों से हरा दिया था। डकवर्थ लुइस के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 4 रनों से जीत लिया था। हम आपको बता दें कि डकवर्थ लुइस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार ये सीमित ओवरों में बैटिंग टीम कितना टारगेट करेगी पर निर्भर करता है। इस पहले T20 मैच में भारत ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का निर्णय लिया था। इस पहले T20 मैच में शिखर धवन ने शानदार 76 रन, 10 चौके और 2 छक्कों की सहायता से 42 बॉलों में बनाए और दूसरी तरफ कार्तिक ने 30 रन, 4 चौके और 1 छक्के की सहायता से 13 बॉलों में बनाए थे। अब देखना ये होगा कि भारतीय T20 टीम कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में अपना दूसरा T20 मैच जो 23 नवंबर को मेलबोर्न में होना है उसमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करती है कि नहीं करती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम अभी 1-0 से आगे है। हम आशा करते हैं कि T20 टीम अपने अच्छे और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ इस 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बढ़त लेके बराबरी पर आएगी। देखिए अभी खबर SS की एक रिपोर्ट।